हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। रहिए दोस्तों, ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है और आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बिल्कुल बेस्ट। रहिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और हाँ दोस्तों, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लें, है ना। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2020 लोकतंत्र सूचकांक में कौन से स्थान पर, भारत कौन से स्थान पर, तो 53वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 53वें स्थान पर। यहाँ पे वर्ष 2020 सूचकांक में, लोकतंत्र सूचकांक में भारत, यहाँ पे कौन सा शब्द छप गया, मिस्टेक हो गई, भारत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। दूसरा क्वेश्चन, किस कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया? किस कंपनी? दोस्तों फेसबुक कंपनी। हाल ही में फेसबुक एक कंपनी है और जिसने हेनरी मोनिज को अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया। किसने किया? फेसबुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय नौसेना ने HAL से कितने हेलीकॉप्टर प्राप्त किए? तो दोस्तों 3 हेलीकॉप्टर। कितने प्राप्त किए? 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, किस देश ने हाल ही में अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, किसने मनाया? श्रीलंका। किसने मनाया? श्रीलंका, है ना। हाल ही में किस देश ने अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये श्रीलंका ने मनाया, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनता है? 15 अगस्त 1947 को। तो ये और कब मनाया? 4 फरवरी को। श्रीलंका ने कब मनाया? 4 फरवरी को अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, भारतीय मुक्केबाज महासंघ, मुक्केबाजी महासंघ यानी BFI, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI का फुल फॉर्म क्या है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अजय सिंह बने। कौन बने? अजय सिंह। हाल ही में चोरी चोरा शताब्दी का समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और कहां पे किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये सारी चीजें आप डिटेल में याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास किया जाएगा? किन दो देशों के बीच? तो दोस्तों किया जाएगा भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। और भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास कब से चलने वाला है दोस्तों? 8 फरवरी से। 8 फरवरी से किस फरवरी के बीच और कहां पर किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? राजस्थान में। और अमेरिका की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, US, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC, अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA है। और अमेरिका के 44वें जो राष्ट्रपति बने हैं, जो बाइडेन बने हैं, और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। ये सारे क्वेश्चन आप सीक्वेंस में याद रखें, डिटेल में याद रखें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने? कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, और अंतरिक्ष एजेंसी NASA है। अमेरिका की राजधानी Washington DC और US, और जहां पे संयुक्त अभ्यास दो देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? जयशाह। दोस्तों जयशाह कौन? अपने भारत के जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, और ये जयशाह राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? जयशाह। ये अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 4 फरवरी को मनाया गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया दोस्तों, 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को लगातार चौथे वर्ष
सबसे मूल्यवान सेलिब्रेट का खिताब मिला। तो किसको मिला दोस्तों? ये विराट कोहली। किसको मिला? विराट कोहली। और विराट कोहली पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, और तीसरे नंबर पर रणवीर कपूर। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।